दोस्तों, मैं आलोक दुबे, चंद्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्र, आर्ट टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उपस्थित हैं। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। तो मित्र, काफी दिन से जो है आपका प्रैक्टिस सेट नहीं चल रहा था, जिससे आप लोगों को जो है काफी तकलीफ है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में नहीं है। यहां कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित नहीं है। ए कह रहा है अजंता गुफा, बी कह रहा है एलोरा गुफा, सी कह रहा है पीतलखोर गुफा और डी कह रहा है कारले गुफा। देखिए, अगर इस प्रश्न की बात किया जाए तो यह प्रश्न जो है आपके विगत प्रश्न पत्रों में पूछा जा चुका है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित नहीं है। तो आप जानते हैं कि अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर अलोरा गुफा की बात करते हैं, यह भी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यह गुफा आप लोगों को पता है कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। अगर तीसरे गुफा की बात करते हैं तो पीतलखोर गुफा, दो गुफा के बारे में तो आपको जानकारी होगी, लेकिन जो तीसरा गुफा है पीतलखोर गुफा भी जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में क्या है, यह स्थित है। जबकि अगर हम कारले गुफा की बात करते हैं तो यह कारले गुफा जो है महाराष्ट्र के जो है यह पुणे जिले में क्या है, स्थित है। इसीलिए आपका उत्तर क्या है, यह डी जो है बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, यहां पर जो है बिल्कुल सही। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद जो है यह प्रैक्टिस सेट हमने शुरुआत किया है, जिससे आप लोगों की संख्या जो है बिल्कुल कम है। एक बार थोड़ा सा आप लोग प्रयास करिए, थोड़ी सी संख्या जो है बढ़ जाए, लोगों को पता चल जाए कि आज जो है प्रैक्टिस सेट का जो है क्लास चल रही है। ठीक है, आज जो है प्रश्न जो है हल कराए जा रहे हैं। चलते हैं मित्र, तो दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अब यह कह रहा है कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। पहला गुफा था कि कौन सी गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित नहीं है, तो वह गुफा कौन सा है, अजंता, एलोरा और पीतलखोर गुफा, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जबकि जो है कारले गुफा जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। अभी आपने देखा कारले गुफा, देखा कारले गुफा कहां स्थित है, यह पूरे महाराष्ट्र में है। अर्थात जो क्या है, यह आपका जो है कारले गुफा जो है यह कहां पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि भांजा गुफा भी जो है महाराष्ट्र में है। आगे हम बात करते हैं जुन्नार गुफा भी जो है महाराष्ट्र में है। जबकि अगर हम बात करते हैं सुदामा गुफा, यह आपके बिहार में है। सुदामा गुफा कहां पर है, यह आपके बिहार में है। ठीक है, बिहार राज्य में है। जबकि तीनों गुफा जो है कहां पर स्थित है, ये तीनों गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये सब की सब, कारले गुफा, भांजा गुफा, जुन्नार गुफा, सुदामा गुफा, ये सारी गुफाएं जो है ऐतिहासिक गुफाएं हैं, जिसमें कारले गुफा और भांजा गुफा और जुन्नार गुफा, ये तीनों गुफाएं जो है कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में है। जबकि सुदामा गुफा आपके कहां पर स्थित है, यह बिहार राज्य में क्या है, यह स्थित। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लें। आप लोग जो है लगातार प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है अशोक के पौत्र दशरथ, अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर तीन गुफाओं का निर्माण करवाया था, इनमें कौन सी गुफा नहीं है। अब देखा जाए तो बताया जाता है कि अशोक ने जो है बराबर पहाड़ी को काटकर जो है गुफाओं, चार गुफाओं का निर्माण करवाया था। जबकि जो है अशोक के पौत्र, देखा जाए अशोक ने, मौर्य शासक अशोक ने जो है बराबर पहाड़ी को काटकर जो है चार गुफाओं का निर्माण करवाया था। जबकि अशोक के पौत्र जो है दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर तीन गुफाओं का निर्माण करवाया था। अब कह रहा है इनमें से कौन सी गुफा जो है नहीं है। अब देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए वपी गुफा, पदथिक गुफा, गोपी गुफा, ये तीनों गुफा जो है यह देखा जाए तो यह दशरथ द्वारा जो है नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर बनवाया गया है। जबकि यह विष झोपड़ी गुफा जो है यह नहीं है। आपका उत्तर क्या है, यह डी जो है
बिल्कुल सही है। जबकि अशोक ने जो है बराबर पहाड़ी को काटकर, बराबर पहाड़ी कहाँ है, यह बिहार के गया जिले में है, जिसमें विश्व झोपड़ी गुफा है, लोमस गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है, सुदामा गुफा है, इन गुफाओं का निर्माण जो है वह अशोक ने करवाया था। क्लियर है? तो आपका तीसरे का उत्तर क्या है मित्र, यहाँ डी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन तीनों गुफाओं का निर्माण जो है दशरथ ने जो है यह नागार्जुनी पहाड़ी को जो है काट कर जो है बनवाया था, और इन गुफाओं को जो है देखा जाए आजीवक संप्रदाय के लोगों को जो है यह दान में दे दिया था। जबकि अगर हम बात करते हैं तो अशोक ने जो है, अगर हम अशोक की बात करते हैं, अशोक ने जो है बराबर पहाड़ी को जो है कटवा कर जो है चार गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें एक कौन है, विश्व झोपड़ी गुफा है। ठीक है, जिसमें देखा जाए विश्व झोपड़ी गुफा है। अगली गुफा की बात करते हैं लोमस ऋष गुफा, ठीक है, जिसको हम कहेंगे लोमस ऋष गुफा। आगे देखा जाए कर्ण चौपड़ गुफा, ठीक है, आगे आप देखेंगे यह कौन सा है, सुदामा गुफा। ठीक है, इन्होंने भी जो है गुफा का निर्माण करके आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दे दिया था। आपका उत्तर क्या है मित्र, यहां डी जो है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, चलते हैं मित्र अगले प्रश्न में। आपका जो है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। अब कह रहा है कन्हेरी गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। ए कह रहा है मुंबई है, नासिक है, पुणे है, औरंगाबाद है। औरंगाबाद में आप तीन देखा, अजंता, एलोरा और कौन सा है, पीतलखोर गुफा, अर्थात अजंता नहीं है। आगे जो है पुणे में आपने जो है कारले गुफा को कहां देखा, जो है वह जो है पुणे में है, नासिक में है। कन्हेरी गुफा कहां पर है, यह जो है मुंबई में है। तो आपका उत्तर क्या है, यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो आपका उत्तर यहां चौथे प्रश्न का उत्तर क्या है, आपका ए जो है यह बिल्कुल सही है। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आपका पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है उदयगिरि गुफा स्थित है। यहां पर कह रहा है पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है मित्र कि उदयगिरि गुफा स्थित है। आइए अगर उदयगिरि गुफा की बात करते हैं, कह रहा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अगर उदयगिरि गुफा की बात करते हैं तो उदयगिरि गुफा जो है यह जो है मध्य प्रदेश के, यहां पर देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश के जो है विदिशा जिले में स्थित है। उदयगिरि गुफा जो है यह कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में क्या है स्थित है, और यह जो है गुप्तकालीन गुफा है। यह क्या है, यह गुफा हम बात करते हैं गुप्तकालीन गुफा है, और जो हिंदू धर्म से क्या है यह जो है संबंधित गुफा मानी जाती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। मित्र थोड़ा सा जो है संख्या बिल्कुल ही कम है, थोड़ा सा प्रयास करिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आज संख्या जो है आप लोग 100 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इसका कारण हम जान रहे हैं कि संख्या क्यों कम है, क्योंकि काफी दिनों से जो है प्रैक्टिस सेट हम नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, और न करवाने का भी जो है कारण है। तो अब देखा जाए तो कल तक तो चलेगा, कल के बाद जो है होली के उपलक्ष्य में जो है आपकी दो तीन दिन जो है क्लासें स्थगित रहेंगी, उसके बाद जो है जैसे ही त्यौहार बीतेगा उसके बाद जो है आपकी क्लास जो है पुनः चलेगी। तो आप लोग जो है थोड़ा सा जो है प्रयास करिए और संख्या बढ़ जाएगा। चलते हैं मित्र अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका छठवां प्रश्न। चलिए अगर छठवें प्रश्न की बात करते हैं, छठवां प्रश्न कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। एक कह रहा है मक्खल पुत्र गोशाल हैं, मक्खल यह ख है, मक्खल पुत्र गोशाल हैं, महावीर स्वामी हैं, आदिनाथ है, गौतम बुद्ध है। अगर हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, यह जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। अगर हम आदिनाथ की बात करते हैं, यह जैन धर्म के संस्थापक या जो है हम कह सकते हैं यह प्रथम तीर्थंकर हैं।
ठीक है, अगर जो है इस प्रकार के अगर साधारण प्रश्न जो है आपके गलत हो गए तो निश्चित तौर पे जो है आप जो है परीक्षा से जो है बाहर हो गए। ठीक है, तो अब देखा जाए उदयगिरि गुफा, कह रहा है उदयगिरि गुफा का निर्माण गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के किस सेनापति ने करवाया था? वीरसेन है, मंडलाधीश है, विद्याधर है, कोई नहीं। तो देखा जाए तो उदयगिरि की गुफा मध्य प्रदेश के जो है विदिशा जिले में स्थित है, इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था, यह हिंदू धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण जो है वीरसेन ने करवाया था। तो आपका उत्तर क्या है यहां पर? ए जो है यह बिल्कुल सही है। नहीं, यह बिल्कुल आवाज आप लोगों के पास पहुंच रही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, चलिए मित्र, नौवां प्रश्न आपसे कह रहा है उदयगिरि खंडगिरि, कह रहा है उदयगिरि खंडगिरि गुफा जो है यह किस धर्म से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है आपका उदयगिरि खंडगिरि गुफा जो है यह किस धर्म से संबंधित है? नौवां प्रश्न, जो भी मित्र हैं नौवें प्रश्न का जवाब दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आप लोग जो है नौवें प्रश्न का जवाब दें। यहां जो है नौवें प्रश्न का उत्तर आ रहा है बी, यहां पर जो है मैना देवी जी भी बी कह रही हैं। आइए अगर हम बात करते हैं यह उदयगिरि खंडगिरि गुफा, यहां पर उदय नहीं, यहां पर दो हैं, उदयगिरि खंडगिरि क्या है? दो पहाड़ियां हैं, उदयगिरि और खंडगिरि क्या है? नामक दो पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में गुफाएं बनी हैं, तो उनको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? उदयगिरि खंडगिरि पहाड़ी कहते हैं। तो ये जो पहाड़ियां हैं जो इनमें गुफाओं का निर्माण है वह जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरि खंडगिरि गुफा कहां पर स्थित है? यह जो है उड़ीसा में स्थित है। यह कहां पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण देखा जाए तो शुंग काल के समकालीन शासक कौन थे? चेदिवंश के शासक खारवेल ने यहां पर देखेंगे चेदिवंश के शासक जो है खारवेल ने जो है इसका निर्माण करके जो है जैन संतों को जो है दान में दे दिया था। तो आपका उत्तर क्या है यहां पर? बी जो है यहां पर बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। चलिए दसवां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, दसवां प्रश्न आपसे कह रहा है कि उदयगिरि खंडगिरि गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह प्रश्न हो ही गया कि चेदिवंश के शासक कौन करवाए थे? खारवेल द्वारा जो है क्या हुआ था, यह इसका निर्माण करवाया गया था। आगे मित्र ग्रह में प्रश्न की बात कर रहे हैं, कह रहा है सिंगिरिया गुफा चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? अर्थात सिंगिरिया जो गुफा है उसके चित्र जो है कहां के चित्रण से मिलते जुलते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं, अगर पहली बात तो है यह जो है सिंगिरिया गुफा कहां पर स्थित है? तो देखा जाए तो आपको दो गुफाएं मिलती हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, एक सित्तन वाशल गुफा है और दूसरा कौन सा है? यह सिंगिरिया गुफा है, सिंगिरिया गुफा। अब ध्यान दीजिएगा, सित्तन वाशल का मतलब होता है वाशल मतलब वशना, जैन संतों का निवास स्थान। जब यह जैन संतों का निवास स्थान है तो यह जैन धर्म से संबंधित है, और यह जो है भारत के देखा जाए तो यह तमिलनाडु में है। आगे हम बात करते हैं सिंगिरिया गुफा, यह सिंगिरिया गुफा जो है यह कहां पर है? यह जो है श्रीलंका में है, और यह गुफा जो है किससे संबंधित है? यह जो है बौद्ध धर्म से क्या है, यह जो है संबंधित है। और यह सिंगिरिया गुफा जो है कि चित्रकारी जो है यह अजंता से मिलते जुलते हैं। जैसे आप देखा जाए बाघ गुफा की चित्रकारी अजंता से मिलता है, बादामी गुफा की चित्रकारी अजंता से मिलता है, सिंगिरिया गुफा की चित्रकारी अजंता से मिलता है। सिर्फ एक जो है आपका अगर चित्रण में देखा जाए तो जो आपका जोगी मारा गुफा के चित्र जो है अजंता से मिलते हैं, अर्थात जो है जो जोगी मारा गुफा है वह अजंता के पहले के हैं और सब जो है अजंता के बाद की स्थिति है। और देखा जाए तो हर जगह के जो भी गुफाएं चित्रण के लिए मशहूर हैं, जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, उनकी चित्रकारी अजंता से जो है मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका बारहवां प्रश्न कह रहा है अंजुम सिंह की आखिरी प्रदर्शनी जिसका शीर्षक मैं अब भी यहां हूं, आई एम स्टिल हेयर, मैं अब भी यहां हूं, सितंबर 2019 में कहां आयोजित हुई थी या कहां आयोजित हुई है?
ठीक है, करा अंजुम सिंह की आखिरी प्रदर्शनी जिसका शीर्षक मैं अभी यहां हूं सितंबर 2019 में कहां आयोजित हुई थी। यह प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अगर हम बात कर लेते हैं अंजुम सिंह की, अगर हम बात करते हैं तो अंजुम सिंह के पिता का नाम है परमजीत सिंह। इनके पिता का नाम क्या है अगर हम बात करते हैं अंजुम सिंह जो है, एक मिनट, अंजुम सिंह जो है यह महिला चित्रकार है। अंजुम सिंह जो है क्या है, यह महिला चित्रकार हैं। इनके पिता का नाम है परमजीत सिंह। इनके पिता का नाम क्या है, परमजीत सिंह। परमजीत सिंह जो है क्या है, यह भी जो है चित्रकार हैं। और इनकी माता का नाम है अर्पिता सिंह। इनकी माता का नाम क्या है, अर्पिता सिंह। यह भी जो है दोनों पति पत्नी क्या है, दोनों चित्रकार हैं। और पुत्री भी जो है अंजुम सिंह भी क्या है, यह जो है चित्रकार है। अगर हम बात करते हैं अंजुम सिंह का जन्म 1967 ईस्वी में, यह देखा जाए तो 1967 ईस्वी में नई दिल्ली में जो है इनका जन्म हुआ था। और जबकि देखा जाए तो 2014 ईस्वी में यह इनको जानकारी मिली, ठीक है, देखा जाए 2014 ईस्वी में इनको इस चीज की जानकारी हुई उनको जो वह कैंसर रोग से जो है पीड़ित हैं, जिसके देखा जाए कैंसर रोग से जूझते हुए 17 नवंबर 2020 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 17 नवंबर 2020 ईस्वी में दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखा जाए तो ये जो है अमृता शेरगिल से, यह देखा जाए तो ये अमृता शेरगिल से क्या थी, यह जो है प्रभावित थी। और जो है देखा, जब मैं यहां हूं सितंबर 2019 में जो आयोजित हुई थी वह तलवार आर्ट गैलरी नई दिल्ली में जो है आयोजित हुई थी, ठीक है। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि बात आती है अंजुम सिंह। अंजुम सिंह जो है महिला चित्रकार हैं। अंजुम सिंह जो है यह महिला चित्रकार हैं, जिनके पिता का नाम क्या है, जो है परमजीत सिंह, माता का नाम क्या है, अर्पिता सिंह, और जो है जिनका जन्म 1967 ईस्वी में जो है यह नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसके बाद देखा जाए 2014 ईस्वी में इनको यह जानकारी हुई कि यह जो है कैंसर रोग से पीड़ित हैं, लगभग 6-6.5 साल तक जो है जूझते जो है 17 नवंबर 2020 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। यह महिला चित्रकार अमृता शेरगिल से जो है काफी प्रभावित थी। क्लियर है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो आपका उत्तर क्या है, यहां सी है। चलते हैं मित्र आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कर रहा है अंजुम सिंह किस चित्रणकार के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए वही क्वेश्चन फिर आ गया अंजुम सिंह से ही। अंजुम सिंह जो है किस चित्रणकार के लिए प्रसिद्ध थी। ए है आपका ग्रामीण परिस्थितियां, बी है शहरी परिस्थितियां, प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षियों का चित्रण। देखा जाए तो अंजुम सिंह का जन्म कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इनके माता पिता जो है दिल्ली में जो है वहीं पर निवास करते थे, वहीं पर जो है उनकी कार्यप्रणाली थी, ठीक है। आजीविका का साधन उनका जो है दिल्ली में ही था। और अमृता शेरगिल ने भी जो है यहाँ पर, अंजुम सिंह ने भी जो है दिल्ली में जो है शिक्षा जो है प्राप्त किया। तो ये देखा जाए जो इनका चित्रण था वह शहरी परिस्थितियों पर निर्भर था। वह किस पर था, वह देखा जाए शहरी परिस्थितियों पर जो है क्या था, यह निर्भर था। तो आपका उत्तर यहां पर क्या है मित्र, बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर जो है आप लोगों के लगातार अजीत कुमार जी ने कुछ कमेंट्स किया, सर पेपर कब तक होगा। देखिए बात यह है कि अगर हम पेपर की चर्चा करते हैं, ठीक है, पेपर की अगर चर्चा करते हैं, बस इतना कहेंगे यह जो है सक्रियता का समय है। आप लोग जो अभी निष्क्रिय बैठे हुए थे अब आप लोग सक्रिय हो जाइए, क्योंकि जो है सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है, कार्य प्रणाली आगे बढ़ रही है। जहाँ तक कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद जो है आपके डेट आ सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि 4 तारीख को जो है चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, उसके करीब जो है 20 दिन के अंतर्गत जहां तक लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, अपने अनुभव को लोग बता रहे हैं कि उसके 20 दिन के अंतर्गत डेट आ जाएगा और 2-3 माह के अंतर्गत पेपर करा लिया जाएगा। अर्थात यह जो आपका जो है 5-6 माह का जो समय है यह आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा समय है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और यह 5 महीने अगर चूक गया तो निश्चित तौर पे वह परीक्षा से बाहर हो जाएगा। अगर जो कभी भी तैयारी नहीं किया है, इसी 5 महीने में
अगर वह जो है जमकर जो है पढ़ाई करे तो निश्चित तौर पर वह सफल हो जाएगा। इसीलिए हम करें, यह दौर जो है सक्रियता का दौर है। आप दिन में कम से कम जो है 5 से 6 घंटे जो है आप पढ़ाई करें। अभी जो है इधर जब तक डेट नहीं आ रहा है, कम से कम आप 5 घंटे कोचिंग इत्यादि को छोड़कर सेल्फ स्टडी आपकी 5 घंटे की होनी चाहिए। जब डेट घोषित हो जाएगा तो उसी आधार पर जो है, समय के आधार पर आप उसका जो है समय आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न आपसे कह रहा है, किस कलाकार को क्लोनिंग का महारथी माना जाता है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है, किस कलाकार को क्लोनिंग का महारथी माना जाता है? ए है मित्र परमजीत सिंह, बी है अर्जुन प्रजापत, सी है सतीश गुजराल, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए क्लोनिंग का महारथी की बात अगर होती है तो राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? अर्जुन प्रजापत। ठीक है, अर्जुन प्रजापत जी को जो है क्लोनिंग का जो है महारथी माना जाता है। तो आपका उत्तर क्या है? यह बी जो है यह बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इनका जन्म 1957 ईस्वी में, अगर इनका जाए, यह राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, यह राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका जन्म 1957 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म की बात करते हैं, 1957 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यह मिट्टी के जो है, मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए क्या है, यह जो है प्रसिद्ध है। इनका मृत्यु जो है 12 नवंबर 2020 को, ध्यान दीजिएगा 12 नवंबर 2020 को जो है यह कोरोना वायरस के कारण जो है यह इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यह देखा जाए तो यह क्लोन बनाने में यह इनको महारत हासिल था। यह 20 मिनट में जो है क्लोन बना देते थे। देखा जाए तो भारत के और विदेश के जो है तमाम लोगों का इन्होंने जो है क्लोनिंग जो है बनाया है। ठीक है, हाँ देखिए यहां पर अजीत कुमार जी बता रहे हैं कि बिल क्लिंटन का क्लोन 20 मिनट के अंतर्गत जो है बनाया है, यह बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, जैसे अगर अभिनेत्री में देखा जाए तो मनीषा कोयराला हो गए, विल क्लिंटन हो गए, जो है सचिन हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, तमाम लोगों का इन्होंने जो है क्लोन बनाया है। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न का, आपका जो है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कर रहा है, 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नए उपाध्यक्ष चुने गए थे। कर रहा है 26 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के नए उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए थे। ए है नंदलाल ठाकुर, उत्तम परछने, सीताराम कश्यप, गिरीश चंद। देखा जाए तो अगर हम यहां पर नए उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, वह कौन है? नंदलाल ठाकुर साहब हैं। तो आपका उत्तर क्या है मित्र? यहां पर ए जो है यह बिल्कुल सही। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप लोगों की संख्या जो है थोड़ा सा आप लोगों ने जो है प्रयास तो किया है, लेकिन उतना प्रयास आप लोगों ने नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था। चलिए मित्र आगे हम चर्चा कर लेते हैं, आपका 16वां प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं। 16 प्रश्न कर रहा है कि सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला शिव शक्ति है। यह देखा जाए कर रहा है सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला। चित्र श्रृंखला का मतलब है एक ही विषय से संबंधित कई चित्रांकन क्या कहलाएगा? वह जो है श्रृंखला कहलाएगा। कह रहा है सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला शिव शक्ति किस कलाकार का है? ए कह रहा है के लक्ष्मा गौड़, विवान सुंदरम, राम वी सुतार, ज्योति स्वरूप। देखा जाए सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला जो है शिव शक्ति जो है यह किसका है? यह जो है ज्योति स्वरूप का है। सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रृंखला शिव शक्ति किसका है? यह जो है ज्योति स्वरूप का है। तो आपका उत्तर क्या है? यहां पर डी जो है यह बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं आइए हम बात कर, जिनके जो है कई हैं, जैसे इनका एक महत्वपूर्ण जो है चित्र श्रृंखला है आंतरिक जंगल, इनर जंगल। ठीक है, शिव शक्ति, इन्हीं के नाम का ही एक चित्र श्रृंखला है ज्योति स्वरूप चित्र श्रृंखला, तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ज्योति स्वरूप हो गया, यहां पर आंतरिक जंगल श्रृंखला है, एक देखा जाए ज्योति स्वरूप श्रृंखला है, ज्योति स्वरूप श्रृंखला। ठीक है, आंतरिक जंगल श्रृंखला, ये सभी के सभी किसके हैं? यह जो है ज्योति स्वरूप के हैं। अगर ज्योति स्वरूप की हम बात करते हैं तो ज्योति स्वरूप का जन्म 1939 ईस्वी में जो है राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो है कंवल कृष्ण और उनकी पत्नी देवयानी कृष्ण से जो है शिक्षा प्राप्त की थी।
ठीक है, या इन्होंने जो है देखा जाए तो इन्होंने आंतरिक जंगल हो गया, शिव शक्ति हो गया, और जो जो स्वरूप जैसे जो है इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, अगला चित्र की बात कर लेते हैं। करा है, देखते हैं 17वां प्रश्न करा है आपका, प्रकृति में कामुकता है, यह जो है यह कई बार यह पूछा गया है, प्रकृति में कामुकता है यह कथन किसका है। अगर हम बात करते हैं प्रकृति में कामुकता है यह कथन जो है, ए कह रहा है विवान सुंदरम का है, बी कह रहा डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल साहब का है, सी कह रहा मीरा लक मुखर्जी का है, और डी कह रहा के लक्ष्मा गौड़ का है। तो अगर हम बात करते हैं प्रकृति में कामुकता है तो यह किसका है, यह के लक्ष्मा गौड़ का है। इनका पूरा नाम है कलाल लक्ष्मा गौड़, इनका पूरा नाम क्या है, यह कलाल लक्ष्मा गौड़ जो है इनका जो है पूरा जो है नाम है। अब यहां नाम से यह लगता है कि इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में हुआ है, कलाल लक्ष्मा गौड़, तो ये जो जो है इनका जन्म जो है देखा जाए तो 21 अगस्त 1940 ईस्वी में देखा जाए, यह तेलंगाना क्षेत्र, तेलंगाना दक्षिण भारत क्षेत्र में जो है यह इनका जो है जन्म हुआ था। तो जब वहां जन्म होगा तो शिक्षा कहाँ प्राप्त करेंगे, हैदराबाद जो है, हैदराबाद और जो है आपका बड़ौदा में शिक्षा देखा जाए तो इन्होंने हैदराबाद और बड़ौदा में जो है इन्होंने क्या किया, यहां पर जो है शिक्षा जो है इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, और यह भित्ति चित्रण में क्या थे, यह माहिर थे, और 2016 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा जो है इनको पद्मश्री जो है प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं आपका 18वां प्रश्न क्या कर रहा है। 18वां प्रश्न कर रहा है प्रसिद्ध कृति टच ऑफ ब्राइटनेस, कर रहा है प्रसिद्ध कृति टच ऑफ ब्राइटनेस किसका है, विवान सुंदरम है, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं, बलबीर सिंह कट्ट हैं, इनमें से कोई नहीं। 18वां प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, कह रहा है यहां पर जो कृत जो है क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति टच ऑफ ब्राइटनेस किसकी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टच ऑफ ब्राइटनेस जो है यह जो है विवान सुंदरम की है। अगर विवान सुंदरम की बात किया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कि विवान सुंदरम का जन्म जो है यह 1943 ईस्वी में, ठीक है, 1943 ईस्वी में शिमला में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर इनके मौसी की बात करते हैं, यहां मौसी के बारे में इनको पूछा है, तो यह अमृता शेरगिल इनकी मौसी हैं, ठीक है, अमृता शेरगिल जो है इनकी मौसी हैं। और इनकी माता की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है, यह इंदिरा शेरगिल जो है यह इनकी जो है माँ है। ठीक है, यह दिल्ली में जो है निवास करते हैं, यह इंस्टॉलेशन के लिए जो है यह जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए मित्र आगे के प्रश्न की बात कर लेते हैं आपका 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 19वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 19वां प्रश्न कह रहा है मित्र राम भी सुतार भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ था। कह रहा राम भी सुतार को भारत सरकार ने पद्म भूषण का पुरस्कार कब दिया था। चलिए अब देखा जाए तो इनका नाम क्या है, राम वंजी सुतार जो है इनका जो है पूरा नाम है। इनकी अगर जन्म की बात करते हैं तो 1925 ईस्वी में, यहां पर देखा जाए 1925 ईस्वी में जो है यह महाराष्ट्र में, ठीक है, जन्म थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, 1925 महाराष्ट्र में इनका जो है जन्म हुआ था। यह जाति और कर्म से बढ़ई थी, देखा जाए यह जाति तथा कर्म से अगर देखा जाए तो यह क्या है, यह जो है जाति व कर्म से जो है यह बढ़ई माने जाते हैं। ठीक है, और जो है देखा जाए तो ये शिल्पकार हैं, यह वास्तुकार के रूप में जो है जाने जाते हैं, वास्तुकार हैं। ठीक है, और देखा जाए दुनिया की सबसे ऊंची, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति निर्माण का श्रेय इन्हीं को है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, यह जो है निर्माण का श्रेय इन्हीं को माना जाता है। क्लियर है, अब आइए हम जो है अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहां पर जो भी मित्र हैं लगातार सभी लोगों का जो है यहां पर उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है, आप लोगों के प्रयास से यह संख्या जो है 100 प्लस हो गया। ठीक है, जब लगातार जो है प्रश्न हल करवाए जाते थे यही संख्या आपकी 300 प्लस रहती थी।
लेकिन जो है इधर किसी कारणवश जो है आपकी क्लास न चलने के कारण जो है संख्या बिल्कुल जो है 1/3 हो चुका है। चलिए मित्र आगे हम बात कर लेते हैं। आपका अगला प्रश्न जो है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रयागराज से प्रकाशित कला दर्पण पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। प्रयागराज से प्रकाशित जो है कला दर्पण पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। ए कह रहा है डॉक्टर अविनाश चंद्र, बी कह रहा डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, सी कह रहा डॉक्टर सरोज पाल, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए तो अगर हम प्रयागराज की बात हो रही, प्रयागराज से संबंधित कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ है, शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया और यहीं पर जो है यह कला शिक्षक भी रहे। तो जो है यह कला दर्पण संबंधित किसका है? कला दर्पण के प्रधान संपादक कौन है? यह डॉक्टर श्याम बिहारी जो है अग्रवाल हैं, जो वर्तमान समय तक जो है वह सृजनरत हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम मित्र अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न भी कर रहा है 40 मिनट की लघु फिल्म खाली कैनवास संबंधित है नंदलाल बसु से, असित कुमार हल्दर से, चितिननाथ मजुमदार से, श्याम बिहारी अग्रवाल से। देखा जाए तो यह चितिननाथ मजुमदार के शिष्य जो है वह श्याम बिहारी अग्रवाल जी से क्या है? संबंधित है। ये दोनों प्रश्न जो है आपके श्याम बिहारी अग्रवाल से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म 1942 जो है प्रयागराज में हुआ था। 1942 अर्थात जब भाई भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चल रहा था उसी दरमियान उनका जो है जन्म 1942 जो में जो है इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने जो है शिक्षा जो है आपके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। चितिननाथ जो है मजुमदार इनके कला गुरु थे और जो है उसके बाद जो है यहाँ पर कला इलाहाबाद के कला विभाग में जो है यह नियुक्त होते हैं, जिसमें देखा जाए तो उसके विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और 2003 ईस्वी में जो है यह यहाँ जो है निवृत्त जो है होते हैं। ठीक है, यह रूप शिल्प कला के भी जो है संपादक हैं। यह रूप शिल्प कला के जो है क्या है? संपादक है। ठीक है, तो आइए हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न कहे प्रसिद्ध मूर्त शिल्प अर्थ टू हेवन। प्रसिद्ध मूर्त शिल्प अर्थ टू हेवन किसका है? गोगी सरोज पाल है, विनोद बिहारी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, कोई नहीं। अब कह रहा प्रसिद्ध मूर्ति जो है अर्थ टू हेवन किसका है? अगर हम बात करते हैं प्रसिद्ध मूर्ति सिर्फ अर्थ टू हेवन जो है यह मीरा मुखर्जी का है। ठीक, मीरा मुखर्जी जो है यह महिला चित्रकार हैं और मूर्तिकार के रूप में जो है यह जानी जाती है। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आपका 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न भी आपसे कर रहा है मीरा मुखर्जी ने ढोकरा कास्टिंग, यहां ढोकरा कास्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मीरा मुखर्जी ने ढोकरा कास्टिंग तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो आइए हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर से जनजाति कलाकारों से, राजस्थान के भील कलाकारों से, पूर्वोत्तर के जनजाति कलाकारों से, इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए ढोकरा कास्टिंग जो है यह तकनीक देखा जाए तो यह अलौह धातु से अर्थात जो लोहा नहीं है मिश्रित धातु से जो है वह जो है मूर्ति बनाया जाता है। इसके प्रमाण हमको हड़प्पा काल में भी मिलते हैं। हड़प्पा काल में जो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली यह इसी विधि से बनाया गया था। यह तकनीक सीखने के लिए जो है छत्तीसगढ़ के जो है बस्तर के जनजातियों से उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त किया। आपका उत्तर क्या है यहाँ पर? ए जो है यह बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं जिसमें आपने देखा कि मीरा मुखर्जी के बारे में देखा नाम है मुखर्जी, तो आप समझ सकते हैं कि यह जो है बंगाल से संबंधित होंगी। ठीक है, जैसे मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, चट्टोपाध्याय, ये सब अधिकांशतः कहाँ संबंधित हैं? कोलकाता से, बंगाल से। तो उनका जन्म 1923 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, बाद में अनेक स्थानों से इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त किया, जिनके जो है देखा जाए तो इनके कार्यों में जो है कलिंग में अशोका मूर्ति शिल्प इनकी महत्वपूर्ण है, मिनी बस है, दुर्गा है और अर्थ टू हेवन जो है इनका महत्वपूर्ण जो है यह माना जाता है। पिछले जो है क्वेश्चन में अर्थ टू हेवन की जो है हमने यहां पर बात जो है की थी। चलिए मित्र आगे की बात कर लेते हैं। आपका 24वां प्रश्न। अभी तक देखा जाए 24वां प्रश्न जो है अब तक के प्रश्नों में सबसे जो है आसान सा प्रश्न है। तो अगर हम बात करते हैं ए के स्वामी का पूरा नाम क्या है? आनंद कृष्ण कुमार स्वामी, आनंद किरण स्वामी, आनंद केंटिस कुमार स्वामी,
यह आपका उत्तर क्या है? यह सी जो है बिल्कुल सही है। अगर हम देखा जाए तो इनका जन्म जो है श्रीलंका में हुआ था, इनके पिता जो है तमिल थे और माता जो है इंग्लैंड की थी। इन्होंने जो है ला की अर्थात वकालत की शिक्षा जो है इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त किया था, ठीक है। और ये छोटे थे तभी इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है। और ये देखा जाए तो इन्होंने भारतीय कला अर्थात जो है जो आपका पुनर्जागरणकालीन कला का इन्होंने जो है उसका जो है विस्तार इनके द्वारा किया गया, ठीक है। कला से संबंधित इनके द्वारा अनेक जो है पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। मित्र यह लास्ट क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि ह्यूमन लैंडस्केप चित्र श्रृंखला है, ह्यूमन लैंडस्केप चित्र श्रृंखला है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन लैंडस्केप चित्र श्रृंखला किसके हैं, जय झरोटिया हैं, ठीक है, अर्पणा कौर हैं, गोगी सरोज पाल हैं, मीरा मुखर्जी, तो यह ह्यूमन लैंडस्केप चित्र श्रृंखला किसके हैं, यह गोगी सरोज पाल के हैं। और आप जानते हैं पाल के हैं तो 1945 उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लखनऊ से जो है में डिप्लोमा जो है इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें था उसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर लिया। अब जो है कल भी जो है आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो कल जो है पढ़ाकर जो है आपका जो त्यौहार है, ठीक है, जो हमारा आप सबका त्यौहार है, उस त्यौहार में जो है कल आप लोगों की क्लास लेकर जो है उसके बाद जो है हम आपके 2-3 दिन के लिए जो है हम विराम चाहेंगे। उसके बाद जो है होली का त्यौहार बीत जाएगा, उसके बाद पुनः आपकी क्लासें जो है उसी स्थिति में चलेंगी। और जो हमने आपसे कहा कि आप लोग जो है 4-5 महीने जो है यह जो 4-5 महीने का जो वक्त है तो थोड़ा सा लोगों को समय कम दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पास रखिए, जो भी समय हो वह पढ़ाई लिखाई में खर्च हो, मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। जो भी मोबाइल का प्रयोग करें वह अपने शिक्षा के लिए करें, ठीक है। जितनी आवश्यकता है जिससे आप उससे जो है कुछ ग्रहण कर सकें उतना ही जो है मोबाइल का यूज करिए। अनावश्यक जो है 5-6 माह जो है आप मोबाइल का जो है यूज न करिए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है पढ़ाने में आप लगाइए। तो आज जो है यहीं तक, कल हमारी मुलाकात जो है फिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।